कम सून, ओके ओयो। तो इसी सिलसिले में मैं सरप्राइज पराठा बनाऊंगा क्योंकि आज है फर्स्ट शहरी। साउंड्स गुड। बहुत ज़्यादा खुदा फिश मैन सफर बखर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे साथ देख ले कौन है, बीबी मुस्तफ़ा हैदर। मेरे बेटे, मेरे व्यूअर्स को हेलो करो। हेलो। तो आज मुस्तफ़ा हैदर के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये है कि ये अपने दादी जान के रूम चला जाएगा, लेकिन आज कुछ सीन्स डिफरेंट होगी क्योंकि इसकी दादी जान आज सुबह सवेरे चली गई। अब इसकी दादी जान कहाँ पे गई है वो आपको इसी व्लॉग में पता लग ही जाएगा। अरे बोरी रूम ही आ जाओ भाई। हो एज यूजुअल डेली रूटीन की तरह रूम को खोलते हैं। आजा सलाम। वही आजा नहीं है, आज आजा का मानी है दादी, दादी जान नहीं है। ये बिल्कुल इमोशनल हो गया है मेरा बेटा क्योंकि इसके दादी जान का जगह बिल्कुल खाली। तो अब क्या करें, दादी नहीं है, आजा नहीं है मामा। ये रोज सुबह नींद से उठ के अपने दादी जान के रूम में आया करता है और अपने दादी जान के साथ खेलता है। तो आज इसका दादी जान नहीं है। मुस्तफ़ा हैदर, मेरा बेटा जो है वो इमोशनल हो गया है, इमोशनल। खैर इंशाल्लाह दादी विल कम सून, ओके। हाँ, वापस आने के बाद मुझे पता लगा कि मुस्तफ़ा हैदर ने अपनी अम्मी को और अपने दादा जान को बहुत तंग किया। तो खैर अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह सो गया। खैर मुस्तफ़ा हैदर छोटा है लेकिन वो आज पूरा दिन उदास था, अपनी दादी जान को मिस कर रहा था। मुस्तफ़ा हैदर तो खैर उसके वालिद साहब भी मिस कर रहा है अपनी अम्मी को क्योंकि घर बिल्कुल खाली खाली सा है। तो खैर आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। तो इसी सिलसिले में मैं सरप्राइज पराठा बनाऊंगा क्योंकि आज है फर्स्ट सहरी और मुस्तफ़ा हैदर की मॉम बिल्कुल हैरान हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद तो करता हूँ। अभी टाइम है 11:15 होने ही वाला है। मुझे इतना अंदाज़ा है कि आटा गूंदने में काफ़ी घंटे लगते हैं। तो खैर अभी मैं गूगल करूंगा कि भाई हाउ टू मेक पराठा, हाउ टू मेक पराठा, किधर गया पराठा, पराठा। इसका आटा किधर गया भाई, कि आटा कैसे भूनते हैं। तो खैर मुझे एक रेसिपी मिल गया, अब इसको ट्राई करते हैं। अभी ना जाने आटा कहाँ पे है, नमक कहाँ पे है और सोडा कहाँ पे है। तो खैर मुझे इतना तो याद है कि भाई मेरी अम्मी पराठे कह रहा हूँ आटे जो है वो स्टोर में रखती है। तो खैर अभी इसको ढूंढते हैं, आटा ढूंढने के बाद फिर मिलते हैं, सही है। तो खैर से मुझे आटा तो मिल गया, अब देख ली मेरे हाथों का क्या हाल हो गया है। ओहो, तो खैर अभी इसको निकालते हैं यहाँ से और इस पे जो है वो आटे को भूनते हैं। तो रेसिपी मैंने देख लिया है, आप लोग भी देख लें। इतना सारा आटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नीम गर्म पानी। पानी डालने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक और सोडा जो है वो मिक्स करेंगे। अभी नमक तो यहाँ पे है, अभी सोडा कहाँ पे है, सोडा 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 आई थिंक ये है। हाँ ज़बरदस्त, सोडा इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कम डालेंगे, अभी कम कितना है। खैर आप लोग देख लें, मैं इसको पहले नमक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये जिस तरह नसीब में होगा ठीक है, आई थिंक इतना बेस्ट है। यस, और अभी सोडा। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है रेसिपी में, अभी वो पता नहीं क्या चीज़ है,
तो उसके बगैर बिस्मिल्लाह करते हैं। इतु सा सोडा भी आ गया, अब इसमें पानी मिक्स करना है और पानी मिक्स करने के बाद अपने हाथों से इसको मैंने मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले मैं जो है वो ग्लव्स लूँगा। अभी ग्लव्स पकड़ा लेंगे, रुको जरा सब्र करो। यस, डॉक्टर ग्लव्स भी आ गया। ओहो, ये तो एक पीस है, खैर एक और पीस भी लेके आऊंगा मैं। हाँ हाँ, ये भी आ गया भाई ग्लव्स। एक काम के लिए अभी स्टैंड को रखते हैं, तो अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी पानी को मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होए होए, अभी फिलहाल मैं एक हाथों से जो है वो मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जग को भी पकड़ना है। फिर ये बहुत ही सख्त काम है मेरी नज़र में, बिल्कुल बाइसेप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो खैर, अभी ना जाने लाइट क्यों चला गया, टाइम तो 11:45 बज रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ना जाने कैसे रेडी हो गया है। अभी ये मेरी नज़र में जो है इसको सोने देते हैं, लाइट भी आ गया। अभी चलते हैं भाई रूम की तरफ। A few moments later. तो अभी बज रहे 3 और मैं जाग गया, तो ऊपर से आते हैं भाई किचन की तरफ। तो अभी शर्मा रहा है बंदा, शर्मा रहा है यार ये भैया। अब पता नहीं ये कैसे हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो खैर, स्टिल काम शुरू करते हैं। वाओ, फाइनली ये 6 दाने पराठे में बनाऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें कि भाई मैं सही जा रहा हूं या नहीं। साउंड्स गुड 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 गुड। अब यहाँ से मैं 2 तरीके के पराठे बनाऊंगा, एक देसी तरीका वो भी आप लोग देख लें, और एक जो है वो प्रोफेशनल तरीका वो भी आप लोग देख लें। थोड़ा सा घी गर्म करना मैं भूल गया, वो भी हो गया 1 सेकंड में। फर्स्ट देसी तरीका। अब देसी तरीका कौन सा है आप देख लें, बीच में सुराख करते हैं लाइक दिस और इसका रोल बनाते हैं, रोल पराठा। तरीके के लिए हमें छुरी की जरूरत होगी। तो अभी बात यह है कि मैं आगे भूल गया किसके आगे कैसे करना था, तो खैर अभी इसको गोल मरोड़ करते हैं। अरे किस तरह करें इसको यार।
ये बिल्कुल तैयार हो गया, अभी ये तीन बन गया है। दीस टू आर वो क्या कहते हैं इसी तरीका, और ये प्रोफेशनल तरीके से खराब हो गया। तो खैर आज मैं सिर्फ तीन पराठे बनाऊंगा, मैं अपने दोस्त को दिखाऊंगा आप लोगों को जो मुझे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। वेट अ मिनट, रुको जरा, सबर करो। आज वाले खूबी जयमंत खूब। तीन पराठे और अभी टाइम भी ज़्यादा है, तो भाई प्रोफेशनल तरीके से ऑमलेट भी बनाएंगे अभी। तो खैर चाय को भी रखते हैं, स्टे ट्यून्ड। नमक मसाला, बिट ऑफ और नमक। अब ये ऑमलेट का रेसिपी बिल्कुल मेरा है। अब ये देखिए धनिया में डाल रहा हूँ, सब्ज मिर्च भी मैंने डाल दिया, तो साउंड्स गुड। My friend watching live. तो इसके साथ साथ अभी तवे को भी रखते हैं भाई कि ये गरम हो। Yes. मेरा दोस्त देख लो देख लो। Hello. अब यहाँ से असल पार्ट शुरू होगा कि भाई मैं कितने गोल पराठे बना सकता हूँ। एहे चना। तो माशाल्लाह ये रेडी हो गया। आप लोगों ने रेटिंग देना है कि भाई ये पराठे को मैंने कैसे गोल किया है। साउंड्स गोल। तो अभी यहाँ गरम पराठों को रखते हैं। तो ये मेरा स्पेशल पराठा रेडी होने ही वाला है। कहाँ पे गया भाई चिकन? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसका स्मेल तो काफ़ी बेस्ट है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं भाई इसका टेस्ट भी साउंड्स गुड होगा। तो प्लेट भी मैं लेकर आया हूँ, अब इसको रखते हैं भाई प्लेट में। इसके साथ साथ मेरा चाय भी रेडी हो रहा है, साउंड्स गुड। और ये देख लीजिए मैंने सेकेंड को भी आमादा किया हुआ है। वाह कितने किया कितने किया कितने किया। यस स्पेशल गोल पराठा, चाय एंड हमारा ऑमलेट अभी रेडी होगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो मेरे पराठे जो है वो तैयार हो गए हैं, अभी ऑमलेट की बारी है। ऑमलेट। वालेकुम अस्सलाम। ओ यस शी इज सेइंग के वाओ पराठा इधर गोल से नहीं है। वाए 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 कहां पे गया कहां पे गया ये चाय? टेबल में खाली करो ये पराठा भी, ये पराठा नहीं ऑमलेट भी रेडी हो रहा है। सरप्राइज शुदी की ना। वाह शी सेइंग यस। अभी कहाँ पे गया? ये मास 11 बजे खरीद कर रहे हैं मेरा। बाप ये कैमरा पकड़ ले, मैं कलाकारी कर रहा हूँ। बस देख लिया भाई मैं 3 बजे जाग गया था और अभी है 4:30 बजे और बैठे बैठे मैं तो प्रोफेशनल शेफ भी बन गया। वाह जय जुआना खाली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साउंड्स गुड।
तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि भाई मुस्तफ़ा हैदर की दादी जान कहाँ पे गई है। तो वो मेरे दूसरे भाई के पास गई है दुबई। तो इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है कि वो खैर से वापस आए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने पराठा बनाया, और होपफुली कि लास्ट टाइम, क्योंकि बहुत ही सख्त काम है। और फर्स्ट थेरी फ्रॉम माई साइड, आप सब मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगा। तो वस्सलाम, ख़त्म तमाम।